सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है बैटल ऑफ वर्ड्स के और एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप सिंपल और इजीली हीरोइक कैसे जा सकते हो और आपकी गलतियां जो फ्री फायर में आप करते हो अपनी मैच में वो कैसे इंप्रूव कर सकते हो। और गाइस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बिना डायमंड्स के भी ले सकते हैं हम, तो वो सब कैसे होगा वो सारी डिटेल्स हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। और गाइस, जो भी लोग हमारे वीडियो पे न्यू आ रहे हैं उन लोग को मैं बोलूँगा गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलो गाइस, बिना कोई देर के स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो गाइस, हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पे डीजे आलोक वर्सेस इनहेलर। डीजे आलोक गाइस, आपको पता होगी गाइस उसकी बहुत मांग थी, ठीक है, डीजे आलोक की बहुत मांग थी पहले, लेकिन अब नहीं है गाइस। क्यों? क्योंकि गाइस इनहेलर अब जो काम डीजे आलोक करता था वो काम अब इनहेलर करता है। कि क्या, मैं आपको बता देता हूँ पूरी डिटेल्स में, ठीक है गाइस। डीजे आलोक की एबिलिटी क्या थी, वो आपकी हेल्थ बढ़ाता है और आपकी स्पीड बढ़ाता है दौड़ने की। तो गाइस इनहेलर आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि गाइस इनहेलर आलोक से ज़्यादा जल्दी हेल्थ बढ़ता है। हमने टाइमर से चेक भी किया है, आप भी कर सकते हो गाइस। डीजे आलोक से ज़्यादा जल्दी हेल्थ इनहेलर में जल्दी फुल होती है। और गाइस आपको स्पीड की बात अगर हो तो आप कैली यूज़ करते ही है गाइस, अब तो बहुत लोग कैली यूज़ करते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आप इनहेलर यूज़ कर सकते हो डीजे आलोक की जगह पे। और गाइस आप भी मतलब अब डीजे आलोक को भी रख सकते हो साइड में, आप अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप इनहेलर यूज़ करके आप आगे जा सकते हो। और गाइस सारे मैप में अब बहुत से जगह पे इनहेलर मिल ही जाते हैं, उसमें कोई वो प्रॉब्लम है ही नहीं। बहुत से जगह पे इनहेलर रख ही दिया है अब तो फ्री फायर वालों ने, तो इनहेलर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो गाइस मैं प्रीफर करूँगा आपको डीजे आलोक की जगह इनहेलर यूज़ करने की, ठीक है। तो चलो गाइस इसके साथ बढ़ेंगे सेकंड पॉइंट की तरफ। तो गाइस सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है, आप अपना गेम प्ले कैसे इंप्रूव कर सकते हो गाइस। तो वो भी बहुत ईजी है गाइस, सुनो कि अगर आप है ना मतलब स्क्वाड में खेल रहे हो, तो अगर आप स्क्वाड में खेल रहे हो तो गाइस अगर आपके दो दो घर है, ठीक है, एक है अगर पिक की बात ले लेते हैं, पिक पे ग्रीन हाउस है और डबल डोर है, तो अगर दो हाउस में अलग अलग स्क्वाड की फाइट हो रही है आपकी, तो गाइस उसमें आपको करना क्या है, एक टिप देता हूँ, उसमें आपको करना क्या है, आपको अपने वेस्ट उतार के एक साइड रख देना है और उसके बाद सामने फाइट करना है। तो गाइस उससे होगा क्या, आप उससे अगर फाइट करोगे तो आप सामने वाले को डैमेज दोगे, तो उनके वेस्ट डैमेज हो जाएंगे, ठीक है गाइस, उनके वेस्ट डैमेज हो जाएंगे और आपके वेस्ट डैमेज नहीं होंगे क्योंकि आपने तो निकाल दिए थे। तो आप ऐसा कर सकते हो गाइस, आपके वेस्ट उतार के रख दो साइड में, फिर उनको डैमेज दे दो, और जैसे आपको लगेगा कि उनके डैमेज वेस्ट डैमेज हो गए तो आपके वेस्ट पहन के आप उन पर रश कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा गाइस। वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको पता है, तो उसमें आप उनके वेस्ट डैमेज हो जाएंगे और आपको रश करने में एडवांटेज मिलेगा और उनकी स्क्वाड पूरी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक टिप थी गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। तो यहाँ पे ये सारे ऑल हाउसेस स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं इसको, तो ये जो स्ट्रेटजी है वो स्क्वाड में आप यूज़ कर सकते हो। तो इसी के साथ आप बढ़ेंगे थर्ड पॉइंट की तरफ। तो गैस अब बात आती है स्कोप्स की। गैस स्कोप्स आपको पता है कि हमारी गेम में बहुत इंपॉर्टेंट है गैस, बैटल ग्राउंड की कोई भी गेम हो गैस स्कोप तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गैस आप लोग मतलब करते क्या हो गैस, आप अगर गेम खेल रहे हो, ठीक है, पहले आपको मिला 2x स्कोप, ठीक है, 2x स्कोप मिला, चलो ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है 4x स्कोप। तो गैस 4x स्कोप जैसे ही आपको मिलता है तो आप 2x स्कोप नीचे डाल के कहीं पर भी चले जाते हो। तो गाइस ये आप बहुत गलत करते हो गाइस, ये आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि आप जो ये मतलब 4x स्कोप अगर आपको मिल जाता है और आप 2x ड्रॉप करके चले जाते हो, ये आप बहुत गलत करते हो गाइस। क्योंकि क्या करना है आपको इसमें मैं बताता हूँ, ठीक है, सुनो ध्यान से। आपको करना क्या है, आपको दोनों स्कोप रखने गाइस, 4x भी रखना है 2x भी रखना है, जिससे होगा क्या गाइस, 4x में आपको बता देता हूँ उसकी होता क्या है, ठीक है। 4x अगर आप लगा के मारते हो ना तो लॉन्ग रेंज में अगर वो बंदा है तो उसको डैमेज ज़्यादा आएगा कंपेयर टू 2x स्कोप, ठीक है। आप अगर बहुत दूर है बंदा तो 4x से मारोगे तो डैमेज ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर उसी टाइम में अगर कोई बंदा आपके पास में है और अगर आप 4x से मारते हो तो वो इतना डैमेज नहीं दे पाती गन, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है वहाँ पे। तो आपको करना है कि आपको दोनों स्कोप रखने अपने पास, और दूर अगर बंदा है तो आपको मारना है 4x लगा के, और अगर बंदा थोड़े कम डिस्टेंस पे है तो आपको 2x लगा देना है उसी टाइम पे, तो वहाँ पे डैमेज आपका बहुत सही पड़ेगा सामने वाले बंदे को। तो ये एक मेरी आपकी आपको प्रो टिप भी कह सकते हो। तो ये आप अपने गेम में अगर यूज़ करोगे तो आपका गेम प्ले बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अब फोर्थ पॉइंट की तरफ।
तो गाइस अब फोर्थ और लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं गाइस, जिसमें आता है ग्रेनेड्स गाइस। गाइस बहुत लोग क्या करते हैं, पोलोमा यूज़ करते हैं, पोलोमा यूज़ करके 200-300 एआरएमओ भर लेते हैं गाइस। मेरे को लगता है ये बिल्कुल भी कुछ भी काम का ही नहीं है गाइस, क्योंकि गाइस आप पोलोमा हटा सकते हो, ठीक है। पहली बात तो आप पोलोमा हटा के कोई भी अच्छी स्किल यूज़ कर सकते हो। और आपको करना क्या है, आपको बस 150 जितने एआरएमओ रखने हैं गाइस। वो 150 एआरएमओ बहुत है, अगर आप ठीक से खेलो ना, मेरी ये जो सारी टिप्स आप अगर फॉलो करो तो आप वो 150 एआरएमओ बहुत है गाइस आपको एक मैच के लिए। क्योंकि गाइस आप वो बंदे को मारोगे और वापस आपको वहाँ से एआरएमओ मिल ही जाते हैं, तो आपको 150 एआरएमओ तो बहुत हो गए। और गाइस आपको वो जगह खाली करके लेना क्या है, ग्रेनेड्स गाइस। ग्रेनेड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गेम में, वो आपको लास्ट में पता चलता है गाइस, जब जोन लास्ट एंडिंग होता है, और वो स्क्वाड में तो बहुत ज़्यादा काम लगते हैं गाइस। तो एआरएमओ आपको 150 जितने रखने हैं, ग्रेनेड्स आपके पास 4-5 होने चाहिए, और फ्लैक्स बैन भी 2-3 आपको आपके पास होने चाहिए। तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको लास्ट में पता चलेगी गाइस, क्योंकि आप जब ग्रेनेड्स डालते हो, फ्लैश बैंक डालते हो उस पर, तो सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और उसको फिर ग्लू के बाहर आना ही पड़ता है। या तो वो ग्लू अपनी वेस्ट करेगा, या तो ग्लू के बाहर आएगा, तब आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। तो ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारा ये फोर्थ और लास्ट पॉइंट। तो ये मैं आपको पूरा सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। और एक बार आपको करना क्या है, आपको अगर आप पोलोमा यूज़ करते हो तो निकाल देना है, आपको 150 जितने एआरएमओ रखने हैं सिर्फ, और ग्रेनेड्स आपके पास 4-5 होने चाहिए, और फ्लैश बैंक 2-3 होने चाहिए, ग्लू वॉल तो आपके पास होगी होगी। तो गाइस इतना सब आपको रखना है, और वक्त आने पर आपको सही टाइम पर यूज़ करना है, जिससे सामने वाला डिस्टर्ब होगा और आपको एडवांटेज मिलेगा। तो गाइस अगर आप मेरी टिप्स ये सही से सुन रहे हो, और अगर आप यूज़ करोगे, तो आपको 100% आपको गेम में काम लगेगी वो ट्रिक, ठीक है। ये सारी मैंने यूज़ करता होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सो यस गाइस, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस, आप भी ज़रूर ट्राई करना मेरी ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो गाइस अगर आपको काम लगे तो वो, अगर आपको यूज़फुल हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना। और अगर गाइस आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और आप गाइस हमारा, आपको पता है ना गाइस 1000 सब्सक्राइबर्स का एम है, तो वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो गाइस। एंड यस गाइस, ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको बताते रहेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अगर हमारे चैनल पे आपको बने रहना है, तो आपको गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना पड़ेगा, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।